आंचल बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रेडीमेड नेक में लाइनिंग लगाना बताऊंगी। जैसे आप आजकल सूट खरीदते हैं तो इसमें बहुत सारे सूटों में इस तरह के रेडीमेड नेक आते हैं बने हुए, तो इसमें आपको अस्तर लगाने में बहुत दिक्कत होती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह के रेडीमेड गले में अस्तर लाइनिंग कैसे लगाते हैं, तो इसका मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊंगी। तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आंचल बुटीक के साथ में हमारा जो मेन चैनल है खुशी बुटीक है, उस पे जाके आप जरूर से वीडियो देखिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप देख लीजिए। इस कुर्ती का नेक बना हुआ है, इसमें पाइपिंग लगी हुई है, तो हम इस पे अस्तर अटैच करेंगे। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे पूरे राउंड में, जितना आपको अस्तर दबाना है उस हिसाब से आप पूरे राउंड में निशान लगा लीजिए। अब आप कपड़े को हटा दीजिए और अस्तर के ऊपर निशान को पक्का कर लीजिए। इस तरह से निशान हमें अच्छे से दिख जाना चाहिए। और इस कंधी को उठाएंगे इस साइड से और इस साइड इस कंधी को रख लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा दोबारा से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने कौन सी कंधी उठाई और कौन से कंधी पर रखा है। इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पे पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, यहाँ बीच में सिलाई लगानी है पाइपिंग के नीचे और कपड़े के किनारे पे। इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। आराम से आप थोड़ा थोड़ा कपड़ा लीजिए और सिलाई लगाइए और इस बीच सेंटर को हमें इस तरह से मिला लेना है। जैसे आप अस्तर को खींच लेते हो और कपड़ा छोटा रह जाता है तो आप अस्तर को थोड़ा सा ऊपर की साइड रख दीजिए इस तरह से और इस बीच सेंटर को मिला के सिलाई लगाइए। इस तरह से आपको बीच सेंटर को बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है, नहीं तो आपका अस्तर टेढ़ा हो जाएगा। और अब जैसे हमें कपड़े को इस तरीके से पीछे की साइड घुमा देना है दोनों साइड के और फिर से दूसरी साइड सिलाई स्टार्ट करनी है। देखिए इस तरह से हम पूरे नेक पे ये सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई पाइपिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए। देखिए हमने पूरे राउंड में सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको ये उल्टी साइड से दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसे जो बीच सेंटर हमने मिलाया है वहाँ से हमें ये कट लगा लेना है अस्तर वाले कपड़े में, ताकि ये अच्छे से मुड़ जाए। इस तरह से आपको अंदर की साइड मोड़ लेना है। देखिए मैंने मोड़ दिया है कोने से कोना मिला के। और अब जैसे आपको यहाँ पर कढ़ाई दिख रही है, कढ़ाई की जो एक लाइन होती है कोई भी कलर की होती है, तो उसी कलर का आप धागा लें और उस कढ़ाई के ऊपर सिलाई लगाएं। तो देखिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। जैसे मेरे पास गोल्डन कलर का धागा है और इसमें गोल्डन कढ़ाई है, तो इस कढ़ाई के ऊपर ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे आपको कढ़ाई के ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है। साइड में सिलाई लगाओगे तो आपकी सिलाई यहाँ से बाहर दिखेगी। अब आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है राउंड में और यहाँ बीच सेंटर को अच्छे से मिला लेना है, जैसे अस्तर का बीच और नेक का बीच। इस पाइपिंग के राउंड में आपको सिलाई लगानी है इस तरह से। अब आप दूसरी साइड सिलाई ले लीजिए इस तरह से और सेम इसी तरह से आपको यहाँ पे भी इस कढ़ाई के ऊपर सिलाई को ले लेना है। तो देखिए ये मैंने सिलाई लगा दी है इस तरह से और अंदर की साइड देखिए ये अस्तर अच्छे से अटैच हो गया है यहाँ पे। यहाँ पे नेक पे आपको तुरपाई भी नहीं करने पड़ेगी, कहीं पे भी आपको तुरपाई नहीं करनी है। तो इस तरीके से आप अपने रेडीमेड नेक में अस्तर लगा लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।